दोस्तों, इस वक्त एक बेहद ही दुखद खबर भारतीय नौसेना से आ रही है। जंगी जहाज INS ब्रह्मपुत्र पर तैनात जवान मोहित हल एक ऑपरेशन अभ्यास के दौरान हादसे का शिकार हो गए। ये हादसा 8 अप्रैल को हुआ था, जिसके बाद उन्होंने इलाज के दौरान वीरगति को प्राप्त किया। बता दें कि मोहित हल आर्टिफिसर 4 रैंक अधिकारी थे। ये रैंक पेटी ऑफिसर के बराबर होती है। नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 8 अप्रैल को समुद्र में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में INS ब्रह्मपुत्र पर सवार 23 साल के मोहित की समुद्र में अभियान के दौरान चोटों की वजह से बलिदानी हो गए। उन्होंने बताया कि हादसे की वजह का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी गई है। अभी कुछ दिन पहले ही इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो चंदका गोविंद भी एक हादसे में वीरगति को प्राप्त हुए थे, और अब ये हादसा। कहीं न कहीं ये दोनों ही हादसे लापरवाही का नतीजा नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा हमारे जवानों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। ऐसे मामले में जिम्मेदार हर व्यक्ति को कठोर सजा मिलनी चाहिए। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।